हेलो भाइयों, मैं हूं प्रफुल्ल धाकड़। आज हम देखने वाले हैं महिंद्रा XUV 300 का W4 वेरिएंट। ये बेस वेरिएंट आप देख रहे हैं XUV 300 का। और सबसे पहले इसका ओवरऑल लुक देख लो, ऐसी कुछ है इसकी फ्रंट प्रोफाइल। बाकी ये W4 है, ये W6 है। और कमेंट में बता देना अगर W6 और W4 का कंपैरिजन चाहिए तो मैं कंपैरिजन वीडियो बना लूँगा। तो इससे अगर आपको थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज़न हो कि W6 लें या W4 लें तो आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा, तो कमेंट में बता देना। अब बात करते हैं अपन XUV W4 की। इसमें अपन अगर बात करते हैं तो इधर पे अपने को महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। इधर पे बात करें तो अपने को LED टेल लैम्प मिल जाते हैं, हेलोजन। अपने को इंडिकेटर मिल जाता है, रिवर्स लैम्प वगैरह। बाकी दो रिवर्स सेंसर्स हैं। इधर पे अपने को XUV 300 की बैजिंग मिल जाती है। इधर पर रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह कुछ नहीं मिलता, रिफ्लेक्टर्स हैं। बाकी हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प है, एंटीना वगैरह इसमें कुछ नहीं मिलता। बाकी इधर से फ्यूल लिड कर सकते हैं। रियर डोर की बात करते हैं तो ब्लैक एंड बीच कलर का अपने को इंटीरियर मिल जाता है। यहाँ से अपने को पावर विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं। 1 लीटर बॉटल होल्डर है, ऐसी कुछ अपने को डोर ट्रिम मिल जाती है। और इस गाड़ी में काफ़ी से फीचर्स अपने को मिल जाते हैं। जैसे भाई मुझे गाड़ी खड़ी करके कहीं जाना पड़े, अपने साथ फैमिली है, कोई भी बैठा हो गाड़ी में, चाबी मेरे पास है और मैं गाड़ी से बाहर हूँ, उसको गर्मी लग रही, चारों कांच चढ़े हुए हैं या उतरे हुए हैं, कुछ भी दिक्कत हो तो आप देख सकते हो। गाड़ी की मेरे पास है अभी, तो आप विंडो ऊपर नीचे कर सकते हो। ये एक सेफ्टी फीचर्स है। बाकी यहाँ पे बात करते हैं तो इधर पे अपने को टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो 205/65 और 16 के अपने को इसमें स्टील व्हील मिल जाते हैं। आगे पीछे डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं, डुअल एयरबैग, ABS/CVT, सीट बेल्ट रिमाइंडर, आइज ऑफ चाइल्ड सीट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, ऐसे कुछ सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। फ्रंट में बात करते हैं तो अपने को इधर पे हेलोजन हेडलैम्प मिल जाता है, इंडिकेटर। इधर पे अपने को DRL मिलती टॉप वेरिएंट में, बट इधर पे मैट प्लास्टिक मिल जाता है। बाकी सिल्वर फिनिश मिल जाती है ग्रिल पे, और पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल है, महिंद्रा का लोगो है। बहुत जल्द इसमें भी नया लोगो आ जाएगा तो काफ़ी लुक इनहेंस हो जाएगी। बाकी रेडिएटर ग्रिल है, मैनुअल की है, फ्लिप की है। बाकी फेंडर पे इंडिकेटर हैं, बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं। अंदर बैठ के देख लेते हैं। इसमें बात करते हैं तो अपने को चार पावर विंडो, इधर से लॉक और अनलॉक कर सकते हो। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORV अपने को मिल जाते हैं। बाकी ये आप एडजस्ट नहीं कर सकते। बाकी ऑटो डाउन पावर विंडो मिल जाती है, ऑटो अप नहीं मिलती। यहाँ पे बात करते हैं 1 लीटर बॉटल होल्डर और स्पेस मिल जाती है। टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन है। इधर पे अपने को रिक्लाइन कर सकते हैं सीट को, कि को करते हैं अपन इसको निकाल लेते हैं। बाकी यहाँ पे अपने को ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। इधर पे दो कप होल्डर हैं। यहाँ पे अपने को मिल जाता है 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। इसमें रिवर्स सेंसर की जो भाई बीप साउंड है ना, एक नंबर है। बाकी इसमें अपने को ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं। भाई बेस वेरिएंट में अपने को ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, आप देख सकते हो ऊपर, कंफर्ट, नॉर्मल और स्पोर्ट मिल जाते हैं। बाकी 8000 RPM में टैकोमीटर है, 220 में स्पीडोमीटर, और बीच में मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है, उसको आप इधर से एडजस्ट कर सकते हो। ट्रिप ए, ट्रिप वी, रेंज, एवरेज डिस्टेंस टू MT। इसमें अपने को भाई टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है। इसमें अपने को वैसे समझ में नहीं आएगा, बट अगर मैं बताऊं तो ये अपने को उस तरफ के दोनों टायर, ये आगे का टायर, ये पीछे का, ये राइट हैंड साइड का फ्रंट टायर और राइट हैंड साइड का रियर टायर के
अपने को प्रेशर पता चल जाएगा। बाकी सारे कुछ अलर्ट्स हैं बीच में, इसमें फ्यूल गेज, टेम्परेचर गेज है, वाइपर कंट्रोल हैं, लाइट के कंट्रोल्स हैं, बाकी एडजस्टमेंट की बात करें तो अपने को टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाती है, बीच में महिंद्रा का लोगो है, इधर पे अपने को कुछ नहीं मिलता। आफ्टर मार्केट आप डलवा सकते हो और एक्सेसरीज में भी अपने को ये मिल जाएगा। हजार लाइट का बटन है, ये टेम्परेचर कंट्रोल है, बाकी इधर पे अपने को पैसेंजर साइड एयरबैग रिमाइंडर मिल जाता है, इधर पे एसी कंट्रोल्स हैं सारे कुछ, एसी मैक्स, बाकी दी सर्कुलेशन के बटन, फैन स्पीड के कंट्रोल, 12V का पोर्ट, ये अपने को पियानो ब्लैक फिनिश में गियर नॉब मिल जाता है क्रोम के साथ, मैनुअल हैंड ब्रेक है, और इसका भाई हैंड ब्रेक काफ़ी इजी है, मतलब इजी टू पुल है। बाकी इधर पे बात करें तो ग्लोव बॉक्स काफ़ी डीप है, स्पेस है इधर पे, मैनुअल IRVM है। ड्राइवर साइड सनवाइजर में अपने को कुछ नहीं मिलता, वहीं पैसेंजर साइड सनवाइजर में भी अपने को कुछ नहीं मिलता। इधर पे अपने को इंजन स्टार्ट ऑफ बटन मिल जाता है, गाड़ी अगर आइडल खड़ी है इसको स्टार्ट कर सकते हो। बाकी पीछे बात करते हैं तो अपने को इधर पे विंडो, ब्लैक कलर का डोर हैंडल है, ऐसी कुछ स्पेस मिल जाती है इसमें। इसको ओपन करें अगर, यहाँ पे अपने को 247 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, स्पेयर व्हील है, काफ़ी ठीक है। बाकी इधर पे अपने को बेंच सीट का ऑप्शन मिल जाता है, अपनी वो बूट स्पेस बढ़ सकती है। बाकी बोनट ओपन करके देखते हैं इसमें अपने को कितनी क्या पावर मिलती है। हैज़र्ड वार्निंग, भाई काफ़ी हैवी बोनट है इसका। यहाँ पे अपने को मिल जाता है 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन, इसमें अपने को मिल जाती है 100 BHP पावर है और 200 Nm का टॉर्क है। बाकी पावर में मैं श्योर नहीं हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उधर चेक कर लेना। माइलेज की बात करें 18-20 का माइलेज मिल जाएगा, टर्बो डीजल इंजन है। बाकी ये इधर पे अपने को बैटरी मिल जाती है एक साइड की, इधर पे टर्बो है, बाकी इधर पे कुछ अपने को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इंसुलेशन हैं, इंजन प्रोटेक्शन गार्ड इसमें अपने को मिल जाता है। तो यही था आज की वीडियो में, कैसी लगी आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो XUV 300 का W4 वेरिएंट कमेंट में बता देना, और एक और चीज़ W6 और W4 का कंपैरिजन चाहिए या नहीं वो कमेंट में बता देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।